Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है आज देखिए, मैंने बताया है कि अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो जैसा कि हमने बताया है कि उधर तो हम एक तरफ से पूरा डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, और इधर जो है हम क्लास ट्वेल्थ की जो फिजिक्स रहेगी, जो टेंथ में चैप्टर है और ट्वेल्थ में है, दोनों में है, वो तो आपको विस्तार से मिल जाएगा। लेकिन जो चैप्टर टेंथ में नहीं है, उस चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल आपको हर चैप्टर का सॉल्व करवाया जाएगा। आज का जो चैप्टर है, जो कि उधर हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए। ठीक, तो आपको जो है उधर प्रकाश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ट्वेल्थ का अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम परीक्षा में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज हम इस पर सवाल बताएंगे। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहली चीज तो फिगर समझ लीजिए। फिगर अगर समझ में आ जाएगा तो जान लीजिए कि पूरा तो आपको इसमें का न्यूमेरिकल आ जाएगा। भाई ये आप इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक आपका अभिदृश्यक लेंस होता है, एक आपका नेत्रिका होता है, या फिर जिसको कहते हैं अभिनेत्र लेंस। तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे एफ ओ कहते हैं और एफ ओ डैश कहते हैं। उसी तरह नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो एफ ई और एफ ई डैश है। ठीक, तो देखिए, अगर जो है अभी कोई वस्तु रखी है अभिदृश्यक के सामने, तो ये वस्तु अभिदृश्यक के लिए वस्तु का कार्य कर रही है। इसका मतलब कि चूंकि हमने बताया है कि वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे अभिदृश्यक, अभिदृश्यक में ओ लग जाता है, अर्थात वी ओ यू ओ एफ ओ, और नेत्रिका या अभिनेत्र में केवल ई लग जाता है, अर्थात एफ ई वी ई और यू ई। तो देखिए, जो हमारी वस्तु की दूरी है, अर्थात अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, इसको यू जी ओ से लिखेंगे या यू ओ से लिखेंगे। और जो हमारी प्रतिबिंब है, भाई इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, दूसरा है कि हमारा जो केंद्रक है लेंस का, वहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। तो दोनों एक दूसरे को जहां काटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इस ए बी का जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। ठीक, दूसरा चीज देखिए, जब अब ये जो ए डैश बी डैश है, ये वस्तु जो है नेत्रिका के लिए जो है, ये अभी तो इसके लिए ये प्रतिबिंब था, अब इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगी। इसका मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो आपकी यू ई होगी। यू मतलब वस्तु की दूरी और ई का मतलब नेत्रिका के लिए। तो वही चीज यहां पे लिखा हूं, देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यू ई है। अब चूंकि ये इसी का फोकस है, ठीक, आपके नेत्रिका का फोकस एफ ई है, इसीलिए इसको एफ ई भी कहते हैं। ठीक, तो होता क्या है, अगर अभी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि एक लेंस की, लेंस दोनों लेंस के बीच की दूरी, दोनों लेंस के बीच की दूरी अगर अभी पूछी जाए, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी में आपको क्या क्या मिलेगा, वी जीरो मिलेगा और यू ई मिलेगा, अर्थात वी जीरो प्लस यू ई। चाहे आपको वी जीरो प्लस यू ई मिल जाए या फिर आपको वी जीरो प्लस एफ ई मिल जाए, ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। ठीक, अब देखिए आवर्धन, दो चीज निकालना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, या तो आपको अभिदृश्यक मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी निकालने के लिए आएगा, या तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आएगा। तो आवर्धन क्षमता के लिए, अगर प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, तो अनंत पर अगर प्राप्त होगा तो उसके आवर्धन क्षमता का सूत्र है माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो, ब्रैकेट के अंदर d
या जहां पे d जो है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर है और ये आपकी e का मतलब नेत्रिका नेत्र लेंस की फोकस दूरी है। उसी प्रकार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर होती ही है। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए जो हमारा आवर्धन का फार्मूला है वो है माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ये दो चीज हमारे फार्मूले हैं। ठीक, तो ये तो था हमारा किसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा है खगोलीय दूरदर्शी उसका फार्मूला क्या है। तो अगर आपको ये समझ कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा बताइएगा, जब प्रश्न समझाऊंगा तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल आप सब के बारे में जानते रहिए कि जो वस्तु रखी जाती है वस्तु यहाँ पे रखी जाती है, जो प्रतिबिंब बनता है अगर अभिदृश्यक से प्रतिबिंब बन रहा है अभिदृश्यक और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कह रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, आपको यहां से यहां तक की दूरी दी गई है अर्थात वी जीरो दी गई है। ठीक, और अगर आपको कहता है कि अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी तो इसका मतलब आपको यू जीरो दिया गया है। अगर प्रश्न है कि नेत्रिका और वस्तु के बीच की दूरी तो नेत्रिका और वस्तु के बीच की दूरी अर्थात क्या होगी यू ई होगी और यह वही चीज आपकी है यफ ई। ठीक, तो ये सब बिंदु है जो कि आपको जानना जरूरी है, ये फार्मूला है, ये दोनों चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका खगोलीय दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है देखिए केवल फिगर आप समझ लीजिए तो सवाल लगाने में समस्या नहीं होगी। खगोलीय दूरदर्शी में अगर लेंस के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी में जो फोकस होता है अभिदृश्यक का तो जो वस्तु रखी रहती है अनंत पे उसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी नेत्रिका का फोकस होता है वो अभिदृश्यक के फोकस के बाहर होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो देखिए यहां से यहां तक अर्थात क्या है ये आपका अभिदृश्यक का फोकस भी है और ये आपका प्रतिबिंब भी है तो अर्थात अभिदृश्यक का फोकस यानी कि एफ ओ और प्रतिबिंब यानी कि भी ओ और ये जो वस्तु ये है ये इसके लिए वस्तु वस्तु का कार्य करती है। इसका मतलब कि यू ई ये ई है तो इसके लिए यू ई हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो सूत्र होता है कि अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो लंबाई होती है वी जीरो प्लस यू ई अर्थात वी जीरो और प्लस यू ई या फिर वी जीरो की जहां पे हम एफ ओ भी लिख सकते हैं एफ ओ प्लस यू ई और अगर अनंत पर बनता है तो केवल यही एफ ओ और प्लस एफ ई यही दोनों चीज जोड़ दिया जाता है तो हमको लंबाई मिल जाती है। फिर देखिए जब अगर आवर्धन निकालने की बात आए तो आवर्धन के लिए यम बराबर होता है अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो यम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी और अगर अनंत पर बनता है तो अनंत पर बनने के लिए यम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई होता है। तो ये फिगर आप समझ लीजिए बस कि अभिदृश्य के लिए जो आपका प्रतिबिंब रहेगा वो भी ओ रहेगा, अभिदृश्य के लिए जो फोकस रहेगा वो एफ ओ रहेगा, नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम करेगा और नेत्रिका के लिए ये प्रतिबिंब का काम करेगा। ठीक, तो नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब क्या रहेगा वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी रहेगी अर्थात डी। ठीक, तो ये चीज है। आगे हम देखते हैं इसके इस पर जो सवाल है वो सवाल क्या है। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। मतलब अभिदृश्यक और अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी 18 सेंटीमीटर है तो अभिदृश्यक के लिए हम ओ का प्रयोग करते हैं और नेत्रिका के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं तो अभिदृश्यक और वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको दिया गया है वी ओ बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़ते हैं, लिखा है
कि यदि एफ ओ बराबर 0.4 सेंटीमीटर हो, एफ ओ बराबर 0.4 सेंटीमीटर और एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर हो, तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। और आवर्धन दोनों स्थिति में ज्ञात करना है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब भी ज्ञात करना है, और जब अनंत पर बने तब भी ज्ञात करना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। तो देखिए, चूंकि आवर्धन निकालने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ती है, यू की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यू ओ। तो यू ओ निकालेंगे तो एक फार्मूला पता है, 1/f(o) बराबर 1/v(o) माइनस 1/u(o)। ये आपका सूत्र है लेंस का। यही फार्मूला लगा करके सबसे पहले हम यू ओ का मान निकालेंगे। तो चलिए, 1/f(o) यानी कि 0.4, 1/v(o) v(o) का मान कितना, 18, माइनस 1/u(0). ये आपका इधर जाएगा, तो 1/u(0) हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, बराबर 1/18। ये प्लस वाला उधर जाए तो माइनस 1/0.4। ठीक, अब देखिए, 1/u(0) बराबर 1/18 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 10/4। ठीक, 10/4 का मतलब क्या हुआ भाई, जो कि दशमलव में है, या फिर इसको कर सकते हैं 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, या फिर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 5/2। तो 1/u(0) बराबर हो जाएगा 18। आप एलसीएम ले लीजिए, 18 से 18 कट गया 1, माइनस 2 × 9 = 18 और 9 × 5 = 45, यानी कि 1 − 45/18, या फिर 1/u(0) बराबर हो जाएगा माइनस 44/18, या फिर 1/u(0) बराबर माइनस 22/9। ठीक, काट दिए। अब देखिए, जब यू जीरो आप निकालेंगे तो यू जीरो बराबर हो जाएगा माइनस 9/22। यू का मान मिल गया आपको, एफ ओ का मान पता है, वी ओ का मान पता है, एफ ई का मान पता है। हमको यम निकालना है अनंत की स्थिति में, तो बताइए यम का मान क्या हो जाएगा, माइनस वी ओ, वी ओ का मान कितना है 18, तो माइनस 18/u(o), u(o) का मान कितना है माइनस 9/22, तो माइनस 9/22। फिर d का मान 25 होता है, बटे एफ ई, और एफ ई का मान कितना है 2। तो देखिए, 9 × 2 = 18, और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस नहीं निकल जाएगा हमारा, जो हम यहां से वैल्यू रखेंगे उसमें चिन्ह नहीं रखा जाता, केवल आंकिक मान रखा जाता है। ये हो जाएगा माइनस 25 × 50 की 0 में से लगेंगे 5, और 25 × 50 = 5, 55। अर्थात जब अनंत पर रहेगा तो आवर्धन हमारा हो जाएगा माइनस 550। फिर देखिए, अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो फार्मूला होता है यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, 1 + d/f(e). तो इसमें अगर मान रखेंगे तो माइनस वी ओ, वही चीज है हमारा, वी ओ का मान है 18, बटे यू ओ, यू ओ का मान है माइनस 9/22, तो माइनस लिखा नहीं जाएगा, यानी कि 9/22, और 1 + d यानी कि 25, और बटे एफ ई, और एफ ई का मान कितना है 2। ठीक, अब देखिए, 9 × 18, ये हो गया माइनस 2 × 22, फिर 2 × 2 + 25, तो 25 × 2 = 27/2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, 27 × 54 = 4, हंस लगे 5, 27 × 54 = 5, 5 × 4 = 59, फिर माइनस है माइनस, तो माइनस 594, यही आ जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक, कहीं समस्या हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, उसको फिर से हम समझा देंगे। और अगर जो है आप इंटर का पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर जो है 20-25 बच्चों का कमेंट आ जाता है, अगर 20-25 बच्चे मिल जाते हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो उनको मैं पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक, तो ये काम आपका है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक,
तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है। कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी हमको दिया गया है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी अर्थात यफ ओ 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी अर्थात यफ ई 2 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो। देखिए, लेंसों के बीच की दूरी दिया गया है। जब मैं प्रतिबिंब बताया हूं अभी, तो प्रतिबिंब में मैंने क्या बताया कि यहां पे आपका अभिदृश्यक रहेगा, यहां पे आपका नेत्रिका रहेगा, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, फोकस पर बनता है। किस पर बनता है, फोकस पर बनता है। यही इसका क्या होता है, फोकस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। इसका मतलब, चूंकि हमने एक फार्मूला लिखा था लेंस के बीच की दूरी, तो लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो होती है वी ओ प्लस यफ ई, अर्थात ये आपका प्रतिबिंब है वी ओ, और ये आपकी इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी है, यानी कि वी ओ प्लस यफ ई। ये आपको दिया गया है, कितना दिया गया है प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये आपको प्रश्न में दिया है। और आगे क्या कह रहा है, दूरी इतना है, तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी ज्ञात करना है, अर्थात वस्तु की दूरी यू ओ ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, यू ओ ज्ञात करना है, पहली चीज। दूसरा चीज आगे क्या कह रहा है, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन अर्थात यम ज्ञात करना है। फिर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यम ज्ञात करना है। ठीक, तो चलते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमको देखिए, लेंसों के बीच की दूरी दी गई है कितना, 12। यहां पे देख रहे हैं यफ ई बराबर 2 है, तो यहां से वी ओ का मान क्या निकाला क्या आएगा बताइए, वी ओ बराबर हो जाएगा 12 - 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। वी ओ हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, यफ ओ हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर, यू ओ निकालना है, तो उसी फार्मूले में मान रख देंगे 1/f(o)-1/v(o)-1/u(o), तो 1/f(o) 1 है, 1/v (10 है, -1/u, यहां से 1/u = 1/10, ये +1 उधर जाएगा तो -1, या फिर 1/2 = 10 का 9 10, तो 10 में से 1 घटा देंगे 9/10 आ जाएगा, या फिर यहां से u का मान निकालेंगे तो -10/9 आ जाएगा। U का मान हमको मिल गया, अर्थात U नहीं होगा, U जीरो है, U जीरो का मान हमको मिल गया कितना, -10/9। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था कि अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या है, तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी कितनी है, -10/9। ठीक, फिर अगला क्या निकालना है, कह रहा है कि अभिदृश्यक तथा अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, तो जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है यम बराबर -V/U, तो बराबर है बराबर -V, वी का मान है 10 और बटे यू, यू का मान हमने निकाला है कितना, -10/9, यानी कि क्या आ जाएगा 9। ये आपका रेखीय आवर्धन हो गया। फिर आगे चलिए, कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब निकालेंगे, तो हमने फार्मूला बताया है आपका यम बराबर -V0/U0 फिर D/FE, तो -V0, वी जीरो का मान कितना है 10, तो -10 बटे U0, U0 का मान ये निकालेंगे -10/9, डी का मान 25 होता है, यफ ई का मान कितना है 2, तो 10 से 10
कट जाएगा हमारा, चिन्ह नहीं लिया जाता है, माइनस 25 नवैया। तो 25 नवैया करेंगे तो 9 पच्चीस 45, 5 हंस लगे 4, 9 दूनी 18, 4 5, 225 बटे 2, या फिर 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 112.5 ये आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं अगर समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको वहां पे फिर से समझा दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अगला क्वेश्चन जो है आपका ये दूरदर्शी पे है। किस पे है? दूरदर्शी पे आधारित है। कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 60 और 5 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी दिया गया है, अर्थात यह ओ दिया गया है, यह ई दिया गया है, यह ओ 60 सेंटीमीटर, यह ई 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक, तो हमको क्या याद करना है? पहली चीज तो दूरदर्शी की लंबाई याद करना है। तो दूरदर्शी की लंबाई अगर निकालनी है तो अगर अनंत पर बनेगा, पहली स्थिति अगर अनंत पर बनेगा तो लंबाई क्या हो जाएगी बताइए। हमने फार्मूला बताया था कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो होती है यफ ओ प्लस यफ ई, इसका मतलब 60 प्लस 5 बराबर 65 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गया क्या लंबाई, और आवर्धन क्या हो जाएगा? तो आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन यानी कि यम बराबर होता है माइनस यफ ओ अपान यफ ई। ठीक, आवर्धन बराबर होता है माइनस यफ ओ अपान यफ ई, बराबर है बराबर माइनस यफ ओ कितना है 60 और बटे यफ कितना है 5, तो 60 बटे 5 यानी कि माइनस 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये कब था? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था कि आवर्धन बराबर होता है, अगर आप फिगर समझ लिए हैं तो आपको समस्या नहीं होगी, पूरा वही फिगर पे ही है और लंबाई ये हो जाएगी। दूसरा देखिए, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अब देखिए अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो लंबाई जो होती है हमारी, लंबाई आपकी जो होती है वो क्या होती है? लंबाई आपकी होती है यफ ओ और प्लस यू ई, लंबाई होती है क्या यफ ओ प्लस यू ई। हम देख रहे हैं हमारे पास यफ ओ है लेकिन यू ई नहीं है। एक चीज जानते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, नेत्रिका से जो प्रतिबिंब बनता है उसी की दूरी को हम डी से लिखते हैं। मतलब हमने बताया था, हमने क्या बताया था भाई? यही था हमारा। तो एक बार इससे प्रतिबिंब बनता था, फिर इसका जो है इससे प्रतिबिंब बनता था, और ये दूरी जो थी वो डी थी। तो इसका मतलब कि जो इससे प्रतिबिंब बन रहा है, आखिरी प्रतिबिंब जो बनता था वो डी दूरी पर बनता था, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता था। तो जो कि ये ई था हमारा, तो ये जो प्रतिबिंब बना ये हमारा किसका प्रतिबिंब बना? आखिरी प्रतिबिंब किसका बनता था? नेत्रिका का बनता था। तो इसका मतलब कि अगर प्रश्न दिया है तब भी और अगर प्रश्न नहीं दिया है तब भी जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी रहेगी वो हमारी 25 सेंटीमीटर रहती है। किसके लिए? नेत्रिका के लिए। तो यानी कि अगर प्रश्न में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तब भी आप जान लीजिए कि वी ई बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये दर्पण के इधर बना है इसलिए ये जो चिन्ह है यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वी ई 25 सेंटीमीटर, यफ ई 5 सेंटीमीटर
तो क्या निकालना है, यू ई निकालना है। हमको फॉर्मूला पता है, ठीक, इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमको यू ई का मान मिल जाएगा। तो वन अपान एफ ई और एफ ई का मान कितना है 5, वन अपान वी ई कितना है -25, वन अपान यू ई। अब यू ई जब इधर जाएगा तो वन अपान यू ई बराबर -1/25, और ये +1/5 जब उधर जाएगा तो आपका -1/5 हो जाएगा, या फिर 1/UE बराबर 25 LCM ले लीजिए, 25 से 25 कट के जाएगा -1 और -25 यानी कि 5। तो UE जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 25 और बटे 5 6 और चिन्ह माइनस, या फिर 6 × 24 1/25, 10 × 6 = 6 4 × 10 = 40 और 6 × 5 = 30 6 × 6 = 36 और 4 × 40 फिर 4, तो ये हो जाएगा 4.17, ठीक। तो यू ई का मान 4.17 हो गया और एफ ओ का मान 60 दिए हैं, तो हमारे पास लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी एफ ओ कितना 60 प्लस यू ई कितना -4.17, ठीक। तो एफ ओ प्लस यू ई, तो एफ ओ प्लस यू ई एक मिनट देख लेते हैं, 4 × 5 5 × 6 6 × 24 4.17, ठीक है। तो एफ ओ, हाँ ठीक है। तो देखिए जो हम मान हमेशा प्लस में रखा जाएगा, जो मान रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा, प्लस में रखा जाएगा। एक मिनट देखते हैं क्या है आपका, हाँ ठीक है, जो मान रखा जाएगा वो हमेशा प्लस वाला रखा जाएगा, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा 64.17 सेंटीमीटर। तो चूंकि लंबाई याद करनी है ना, तो लंबाई ज्ञात करनी है इसलिए जो है चिन्ह नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर चिन्ह रख देंगे तो दोनों घट जाएगा, और चूंकि घटाना नहीं है हमको दूरी बतानी है किसके इसके बीच की दूरी कितनी है, इसीलिए हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा आंसर, ठीक। और कुछ निकालना है इसमें नहीं, यही चीज था। तो कहीं अगर समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं फिर से बताऊंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है एक अपवर्ती खगोली दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 80 और 4 है। अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी 80 और 4 है, ठीक। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता और लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो अगर अनंत पर बन रहा है तो हमने बताया कुछ करना ही नहीं है, जो आपकी लंबाई होगी, लंबाई आपकी हो जाएगी एफओ प्लस एफई यानी कि 80 + 4 बराबर कितना 84, ठीक। फिर हमने आवर्धन के लिए क्या बताया, अगर अनंत पर बन रहा है तो आवर्धन होता है -FO/FE, FO का मान है 80 और FE है 4 यानी कि 20/84 - 20, यही आ जाएगा आंसर, ठीक। तो कुछ है नहीं, अगर अनंत पर बनेगा तो जो लंबाई होगी वो FO + FE हो जाएगी, आवर्धन जो होगा वो -FO/FE हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज था आपका, आगे देखिए जो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है, यानी कि एफ ओ बराबर 1 मीटर, ठीक। आगे कह रहा है कि यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो, यम बराबर 20, आगे चलिए 20 हो, तो नेत्र की फोकस दूरी और श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नेत्र की फोकस दूरी यानी कि एफ ई निकालना है और श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन, रुक जाइए पढ़ लीजिए, फोकस दूरी
दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करना है। दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की लंबाई हमको पता है क्या कहना है कि अनंत पर बन रहा है। श्रांत नेत्र के लिए मतलब अनंत पर बन रहा है। और अगर अनंत पर बन रहा है तो जो हमारा यम होता है, यम बराबर होता है माइनस यफ ओ अपान यफ ई। ठीक, यम बराबर क्या होता है माइनस यफ ओ अपान यफ ई। तो यम 20 है, यफ ओ 1 है और बटे यफ ई। यहां से यफ ई निकालेंगे तो माइनस 1 बटे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए ये 1 मीटर दिया गया है। ठीक, 1 मीटर दिया गया है तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। तो या फिर यफ ई बराबर माइनस 20 पंचे 100, यानी कि यफ ई का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई हमको पता है कि यफ ओ प्लस यफ ई होता है, और यफ ओ कितना है 1 मीटर, और प्लस यफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बनाएंगे तो बटे 100 कर देंगे और ये हमारा सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। या फिर 1 प्लस 0.05 या 1.05 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं अगर समस्या हो तो कमेंट करिएगा, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, कह रहा है क्या कह रहा है देखिए। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर है, अर्थात यह O बराबर 1 मीटर। ठीक, फिर आगे चलिए, कह रहा है कि यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, रुक जाइएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंस के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। लेंस के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है, जब कब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो आपकी लेंस की लंबाई है मतलब बीच की दूरी है वो 1.05 मीटर है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, अर्थात यफ ई निकालना है और यम निकालना है। ठीक, और कुछ बस यही चीज है। तो देखिए, हमने बताया कि जो लेंस के बीच की दूरी होती है ये आपकी यफ ओ और प्लस यू ई होती है, किसके लिए, अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तब। शुरू में ही मैंने इसको बताया था। तो ये आपको दिया गया है 1.05 और यफ ओ का मान है 1, ये हो जाएगा 1.05 या यू ई बराबर 1.05 माइनस 1 यानी कि 0.05। इसको ये आपका मीटर में है और मीटर से जब सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। यू ई का मान है 5 सेंटीमीटर, यफ ओ का मान 1। अब देखिए हमको और क्या निकालना है, कह रहा है कि चूंकि हमने अभी बताया था कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है दूसरे लेंस वगैरह नेत्रिका से जो प्रतिबिंब बनता है वही आपका VE है। तो VE आपका कितना रहता है माइनस 25 सेंटीमीटर। हमने कहा कि अगर दूरदर्शी में अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, वहां पे अगर आपको नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब नहीं दिया गया है तो वो आपका 25 सेंटीमीटर पर बनता है। अगर समझने में दिक्कत हो रही है बैक करिए, फिगर जहां बताया हूं वहां देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, VE का मान पता है, UE का मान पता है, यफ ई का मान निकालना है। तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस 25 माइनस 1/UE यानी कि 1/5। ठीक, तो चूंकि U का मान जो होता है U का मान माइनस में रखा जाता है इसलिए यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा। 1/FE बराबर माइनस 1/25 और प्लस 1/5। 25 का लघुत्तर ले लेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 1 और प्लस 25, यानी कि 1/FE बराबर आ गया हमारा कितना 4/25। ठीक, तो कितना आ गया हमारा
यहां से जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4/25, या फिर यफ ई का जो मान आ गया हमारा वो कितना आ गया 25/4 सेंटीमीटर। तो एक मान तो निकालना था यफ ई का, आ गया यही आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा मान निकालना था यम का, और यम बराबर होता है -VO/UO, ठीक, ब्रैकेट के अंदर 1+FE/D, ठीक। तो चलिए मान रखते हैं -VO, VO का मान कहां पे है, रुक जाइएगा, आवर्धन का फॉर्मूला एक बार देख ले दीजिए। -FO/FE होता है इसमें, -FO/FE 1+FE/D, ठीक। तो ये है आपका फॉर्मूला, -FO और -FO कितना निकाले हैं हम, देखिए FO का मान है 1 और मीटर में है, इसलिए उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, बटे FE यानी कि 25/4 और 1+FE यानी 25/4 और इंटू डी का मान कितना होता है 25, तो 25 चौको 100, 25 से 25 कट जाएगा, यानी कि -4, 1+1/4, 4 × 4 = 5, 5 चौक -20/4 यानी कि 4×5=20। तो यम का जो मान आ गया, यम का मान कितना आ गया, कहीं काटने में गलत कर दिए हैं, देखते हैं, देखिए ये है ना 4 × 4 = 16, ठीक, 4 × 16 हो गई, 4 × 4 और 1 × 5 = 16/5 = 80/4 और 80/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 आंसर, ठीक। तो ये है, आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपको जो है अगर फिजिक्स पढ़नी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, अगर 25-30 बच्चे इसको देखते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाइए, तो पढ़ाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।